एक और व्यक्ति की हादसे में जान चली गई। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर जीएमसी हॉस्पिटल उधमपुर में। पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज सुबह स्तैनी के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसकी पहचान मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। उसकी पहचान सुदेश कुमार, पिता का नाम कृष्ण चंद और उम्र 52 साल थी और ये शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। लेकिन रोज़ की तरह ये सुबह सैर करने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन आज वो घर से सैर करने के लिए निकले लेकिन अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद उनके शव को घर वालों को सौंपा जाएगा। लेकिन मैं फिर ये आपको बता दूं कि हादसे आए दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि सुबह जब वो निकलते हैं तो कोई ऐसी जगह ढूंढे यहाँ पर गाड़ियों का आवी जाही कम रहे। लेकिन ये नेशनल हाईवे, पुराना नेशनल हाईवे से कहा जाता है, यहाँ पे गाड़ियाँ आए दिन चलती हैं। लेकिन रोंडमेल पुलिस मौके पर पहुँची, उनके द्वारा उस शव को हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, ये सामने पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। लेकिन मैं फिर ये बताता चलूँ आपको कि उधमपुर स्तैनी के पास से हादसा पेश आया। ये पुलिस की गाड़ी, ये जो सामने लगी हुई है, ये पुलिस की गाड़ी है और लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखे तो लोग भी यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि जिनकी पहचान सुदेश कुमार बताई जा रही है, पिता का नाम कृष्ण चंद, उम्र 52 साल और ये शिक्षा विभाग में ये कार्यरत थे और ये चन्नी मोड़ के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखें ये सुबह का ये हादसा है और उनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि आंस पार्ट मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में पुलिस रोंदमेल पुलिस मौके पर पहुंची, उनके द्वारा उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया और पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि कहीं ना कहीं देखें तो ये सुबह का ये हादसा है और घर का एक सदस्य उनका चला गया। ओम शांति। मैं फिर आपको ये बताऊंगा, कह दूं कि लोग अगर कोई भी हमारा ये चैनल देखते हैं तो प्लीज़ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। सुदेश कुमार, जिनकी उम्र 52 साल बताई जा रही है, पिता का नाम कृष्ण चंद और ये चन्नी मोड़ के ये रहने वाले थे, शिक्षा विभाग में ये कार्यरत थे। लेकिन आज सुबह सैर करने के लिए ये घर से निकलते हैं और रोज़ की तरह ये रोज़ सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं। लेकिन आज ये सुबह जब सैर करने के लिए निकले और अवैध जो गाड़ी, इनका पहचान नहीं बताई जा रही है कि वो गाड़ी कौन सी थी, कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, इसका कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस अब इसे इन कैमरों को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर वो गाड़ी कौन सी थी जिसकी चपेट में आने से सुदेश कुमार जी की मौत हो गई। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।